हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतुराव और आज हम बना रहे हैं एग रोल। तो ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा एग रोल है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं कुछ सब्जियाँ, कुछ मसाले जिन मसालों से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा बनेगा, और लिया है बटर, 3 अंडे। तो इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल दिया है बटर। तो बटर को मेल्ट होने देंगे। आप बटर के साथ में अगर आधा चम्मच इसमें तेल डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें डाल देंगे ज़ीरा। पूरे मेजरमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ कितनी ली है। तो यहाँ ज़ीरा भी अच्छे से तड़क चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, और इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। और इसे जब हम भूनते हैं तो बटर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और गर्म हो जाता है। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे। और अब इसमें डाल दी है एक शिमला मिर्च, तो इसे पतली सी काट लेना है। तो इसे लगभग हमने 30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी और उसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पकाते वक्त में हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो लगभग यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे गाजर। तो मैंने गाजर जो लिया है, एक गाजर ली है, तो इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। गाजर को पकने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, बट ग्रेट करने के बाद में इसे बहुत समय नहीं लगेगा, ये बाकी सब्जियों के साथ में जल्दी से पक जाएगी। और अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च। तो काली मिर्च मैंने 1/4 चम्मच ली थी, चाट मसाला 1/2 चम्मच, और यहाँ 1/4 चम्मच के लगभग हमने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो हमने वैसे भी इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ढक के इसे लगभग हमने 5 मिनट पका लिया है। तो आप देख सकते हैं सब्जियां बहुत अच्छे से ये पक चुकी हैं, और इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हम जब इसे रोल में डालेंगे तो ये ओवर कुक नहीं होना चाहिए। तो इसे अब एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो हमने कुछ रोटियां बना के पहले ही रखी हुई थी। आप इसमें अगर लच्छा पराठा यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने तवे पे रोटी को रख दिया है और उसमें हल्का सा तेल लगा दिया है, और उसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो हमने सेक के रोटियों को अलग रख दिया है। अब हमने एक अंडा फेंट लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तवे पे बिल्कुल 1 चम्मच के करीब हमने तेल डाल दिया है, और अब ऑमलेट तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसे इसलिए फैलाएंगे ताकि ये जल्दी से सिक जाए, क्योंकि हम इसे दोनों साइड से नहीं सेकना है। और लगभग इसे 30 सेकंड के बाद में आप देखेंगे अच्छे से पक जाएगी ये। और अब इसके ऊपर डाल देंगे हमने सेकी हुई रोटी। हाँ, आप देख सकते हैं ऑमलेट बहुत अच्छे से पक चुका है और रोटी पे भी अच्छे से स्टिक हो चुका है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और जो ऑमलेट का साइड है वो ऊपर की साइड होना चाहिए,
और ये हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर डाल देंगे हम मेयोनीज। तो यहाँ लगभग मैं 1 चम्मच के करीब मेयोनीज डालूंगी और उसे फैला देना है। और जब ये अच्छे से फैल जाएगी इसके ऊपर डाल देंगे हम टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप मैंने 1 से 1.5 चम्मच यूज़ किया है और उसे भी पूरा स्प्रेड कर लेंगे। और हमने जो अभी सब्जी बना के रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी हैं तो उसे इस पे हम फैलाएंगे। और इसे फैलाएंगे हम बिल्कुल सेंटर में रखना है, पूरे में नहीं फैलाना है। तो हमने इसे इसमें फैला दिया है और अब इसे रोल करेंगे। तो रोल किस तरीके से करें आप देखिए, पहले एक साइड से हमें इसे दबा देना है और फिर दूसरी साइड से उसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। और जो फॉइल पेपर है उस फॉइल पेपर को हम बिल्कुल नीचे की साइड में रखेंगे और उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि रोटी टाइटली फोल्ड रहे। तो इसी तरीके से बाकी की भी बचे हुए रोल हम रेडी कर लेंगे। तो बन के रेडी है हमारे एग रोल। तो आपको ये चटपटी सी एग रोल कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।